अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश आज हम सेकंड सेमेस्टर का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है 3.4 थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं अंसारी राशिद अख्तर BMC उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर इस नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोच लो। बोलने से पहले सोच लो क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर राइट है, हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज से। वार्मिंग अप एक्टिविटीज जिसमें हम चिट चैट सेक्शन देखते हैं। हर चिट चैट सेक्शन में हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे और हमें उसका आंसर देना हो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि डू यू राइट अ डायरी। ना इससे पहले 6th-7th स्टैंडर्ड में आपको डायरी राइटिंग के बारे में हमारी बुक में आया हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डू यू राइट अ डायरी, इसका आंसर होना चाहिए यस आई राइट डायरी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू राइट लेटर्स और नोट्स टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। है ना, आजकल चूंकि डिजिटल फॉर्म हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए लेटर और नोट्स वगैरह लिखने का रुझान कम हो गया हुआ है। लेकिन इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए क्या उनके लिए कोई मैसेज छोड़ते हैं, तो इसका भी आंसर होना चाहिए यस। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है डू यू एवर फाइट विथ योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों से कभी फाइटिंग कर लेते हैं, किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो इसका भी आंसर होता है यस समटाइम्स आई फाइट विथ माय फ्रेंड्स। ना क्योंकि हम दोस्त हैं, कभी कभी किसी बात पर अनबन हो जाती है। ना डू यू हैव आर्गूमेंट विथ योर फैमिली मेम्बर्स। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है आर्गूमेंट्स। आर्गुमेंट्स एंड फाइट ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है, है ना। आर्गुमेंट्स में हम किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं, किसी से किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो हम बहस करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है वगैरह। तो फैमिली मेंबर्स के साथ क्या कभी आपका आर्गुमेंट होता है, जैसे सपोज आपको कहीं घूमने के लिए जाना हो तो आप चाहते हैं कि किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, जबकि आपके फैमिली मेंबर्स कहीं और जाना चाहते हैं, तो उस पर कभी कभी आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अबाउट, किस बारे में आर्गुमेंट्स हो सकता है। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली कहीं घूमने जाना हो, इसी तरह समटाइम्स अगर कोई फंक्शन है तो किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए, इस पर भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीजें लोगों से बात कर रहे होते हैं, लोगों से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो उसी के मुतालिक है, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि जो भी हम कहते हैं हमें उससे पहले उस पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कहने चाह रहे हैं। अ मैन वॉज मेन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। ना यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है जिसमें क्या कह रहे हैं, मैन वॉज मेन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। के मैन मीन्स यहाँ पर मुराद है इंसान, है ना। यहाँ पर मैन वुमेन वो मीनिंग में नहीं होता, बल्कि मैन का मतलब होता है इंसान। मैन वॉज मेन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस, इंसान को ज्यादा सुनना चाहिए था और टॉक लेस यानी बोलना कम चाहिए था, इस मकसद के लिए बनाया हुआ है। That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, है ना, यहाँ पर एक जो ब्रिटिश स्टेट्समैन है
बेंजामिन डिजराइली, उन्होंने एक मर्तबा एक बात कही हुई है, वो बात क्या है? नेचर हैज इंडोर्ड मैन विथ टू ईयर्स एंड वन माउथ। इफ मैन वॉज टू मैन टू टॉक मोर एंड लिसन लेस, ही वुड हैव टू माउथ्स एंड ओनली वन ईयर। ना देखिए यहाँ पर उसी चीज को जो ऊपर कहा गया कि इंसानों को ज्यादा सुनना चाहिए कम बोलना चाहिए, उसके मुताबिक बेंजामिन डिजराइली जो कि ब्रिटिश स्टेट्समैन है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए ये ब्रिटिश यानी जो ब्रिटेन है वहां पर वहां के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या कहा? नेचर हैज इंडोर्ड मैन विथ टू ईयर्स एंड वन माउथ। कुदरत ने हमें जो नेमतें अता की उन नेमतों को इंडोह कहा जाता है कि खुदा ने हमें ये नेमतें बख्शी है। तो खुदा ने हमें जो नेमतें बख्शी हैं उसमें हमें दो कान और एक मुंह दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कान है तो हमें लिसनिंग ज्यादा करना चाहिए, वन माउथ है तो उससे हमें स्पीकिंग कम करना चाहिए। इफ मैन वॉज मेन टू टॉक मोर, अगर इंसान को बनाने का मकसद ये होता कि वो ज्यादा बात करे एंड लिसन लेस और उसे कम सुनना चाहिए, तो फिर वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि ही वुड हैव टू माउथ्स, उसके दो मुंह होना चाहिए था एंड ओनली वन ईयर, और एक कान होना चाहिए था क्योंकि सुनने का काम कम करना था। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि इंसानों को एक मुंह होता है और कम होते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें ज्यादा सुनना और कम बोलना है। आगे बता रहे हैं कि इमेजिन हाउ ही वुड हैव लुक्ड, हाउ स्ट्रेंज विद टू माउथ्स ऑन द टू साइड्स एंड वन ईयर एट द सेंटर, है ना। अभी अगर हम लोग माउथ और ईयर की पोजीशन देखें तो ईयर्स जो होते हैं वो दोनों साइड्स में हैं, है ना, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है, जबकि माउथ जो है वो सेंटर में है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाता, मुंह अगर देयर वेयर टू माउथ तो एक राइट में होता एक लेफ्ट में होता, और वन ईयर अगर होना होता तो वो हमें सेंटर में होता। तो जब हमारी शक्ल इस तरह से होती तो हाउ वी वुड हैव लुक्ड, हाउ स्ट्रेंज, ना कितनी हमारी जो शक्ल होती है वो हैरत अंगेज हैरतनाक होती। एंड माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फनल ओपन ऑल द टाइम, देयर इज नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। ना एक चीज और क्या बता रहे हैं, माइंड यू का मतलब गौर कीजिए कि द ईयर्स आर लाइक फनल्स, कि हमारे जो कान है वो फनल है, फनल जिसे जिस तरह हम छलनी का काम करते हैं जिसमें से कोई चीज अंदर जा रही होती है, ओपन ऑल द टाइम और वो हमेशा खुला हुआ रहता है। देर इज नो डोर, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है विथ विच यू कैन क्लोज देम। कि आप जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखों को हम बंद कर सकते हैं, हमारा मुंह है तो हम उसे बंद कर सकते हैं, लेकिन कान को हम बंद नहीं कर सकते, हमेशा खुला रहता है। वेयर एज इफ यू हैव टू स्पीक इवन वन सिंगल वर्ड, दैट वर्ड मस्ट पास थ्रू टू वॉल्स दैट इज टू फेंसेस, है ना। जबकि जब हमें कोई चीज बोलनी हो, हमें कोई वर्ड्स अदा करने हो, कैसे वर्ड्स चाहे सिंगल वर्ड ही हो, हर वर्ड को अदा करते वक्त कोई भी लफ्ज कहने के लिए हमारे पास दो किस्म के पास थ्रू करना होता है दो दीवारों के दरमियान, जिसे यहाँ पर उन्होंने फेंसेस कहा है ना। फेंसेस क्या होता है, फेंसेस वॉल कंपाउंड्स होते हैं जो किसी को घुसने नहीं देते, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। वो कौन से फेंसेज या कौन से वॉल्स हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं कि देर इज फर्स्टली द फेंस ऑफ दीज टू रोज ऑफ टीथ, कि हमारे जो दांतों की दो रोज हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, ये जो दांतों की जो लाइन बनी हुई है ये एक किस्म का फेंस है। इसी तरह देर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ टू लिप्स, जो हमारे जो लिप्स हैं वो दोनों भी एक किस्म का
से बना लेते हैं, मतलब जब तक दोनों बंद रहेंगे तो आवाज बाहर नहीं आ सकती, चाहे हम दांतों को बंद कर लें चाहे होंठों को बंद कर लें, आवाज नहीं आ सकती। बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन इट हैज टू पास, इट हैज टू पियर्स थ्रू दीज टू वॉल्स, थ्रू दीज टू फेंसेस। देयरफॉर वी मस्ट थिंक एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर वी अटर अ वर्ड, है ना। देखिए अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन, जब हम किसी वर्ड को स्पोकन करते हैं मतलब उसको कहते हैं, इट हैज टू पास, उसे गुजरना पड़ता है, और इट हैज टू पियर्स थ्रू, पियर्स कहते हैं किसी चीज को किसी नोकीली चीज को किसी जगह में घुसा देना, तो वो जो हमारे लिप्स और टीथ होते हैं उनके दरमियान से उसे घुसकर गुजरते हुए बाहर आना होता है, थ्रू दीज टू फेंसेस, इन दो फेंसेस के दरमियान से। अब चूंकि दो तरह की रुकावटें हैं तो उसी से मिलकर राइटर कहते हैं, देयर फोर इसीलिए वी मस्ट थिंक एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर वी अटर अ वर्ड, हमें कम से कम दो मरतबा सोचना चाहिए कि जो भी हम वर्ड को अटर करने जा रहे हैं, वर्ड्स को अता करने जा रहे हैं, जो भी अल्फाज हम बोलने जा रहे हैं। ये हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर उसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आगे उन्होंने दी हुई है। आगे है, अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क्ड दैट ऑफ द इस अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर, ऑफ द स्पोकन वर्ड यू आर अ स्लेव। क्या कहा एक किसी बहुत ही दानिश्वर ने, वाइज मैन ने कहा था कि वंस रिमार्क्ड, उन्होंने एक मरतबा बात कही कि द अनस्पोकन वर्ड्स यू आर अ मास्टर, कि जो अल्फाज आपने अभी कहे नहीं हैं उन पर आप उसके मालिक हैं, कि आप उसको जिस तरह से कहना चाहेंगे आप उसको कह सकते हैं। ऑफ द स्पोकन वर्ड, लेकिन जिस लफ्ज को आपने कह दिया है, यू आर अ स्लेव, आप उसके गुलाम बन जाते हैं, यानी आप उस उन अल्फाज के पकड़ में आ जाते हैं, वो अल्फाज आपके लिए बंदिश बन जाते हैं। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट टेक इट, यू कैन नॉट गेट इट बैक, है ना। एक मरतबा जब आपने किसी लफ्ज को कह दिया आप उस बात को वापस नहीं ले सकते। डू वॉट यू विल, चाहे आप जो भी कर लेंगे ना, जब एक मरतबा हमने किसी लफ्ज कह दिया तो कहने के बाद हम अपने अल्फाज को वापस नहीं ले सकते। देयर फोर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट यू स्पीक, ना इसीलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट वी स्पीक, ना। देखिए बच्चों यहाँ पर ये दैट वी स्पीक ये जो लिखा हुआ है ये एक किस्म का क्लॉज है। पहला जो सेंटेंस है, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स, ये एक क्लॉज हो गया। उसके आगे दैट लगाकर यू स्पीक जोड़ दिया हुआ है, तो आपको लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आते हैं कि जहां पर एक सेंटेंस दिया होता है आपको उसके आगे कोई ऐसा क्लॉज ऐड करना होता है जो उसके मीनिंग को और ज्यादा कंप्लीट करता हो। ओके, वंस द वर्ड हैज लेफ्ट योर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, ना। एक मरतबा अल्फाज अगर आपके होंठों से बाहर निकल गए, उन्होंने अपने आपके मुंह से मुंह को छोड़ दिया ना, हैज लेफ्ट का मतलब वो आपके मुंह से निकल गए हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, आप उसे किससे वापस नहीं ले सकते। नाउ व्हाट आर अनस्पोकन वर्ड्स, ना अभी ऊपर आ रहा था कि अगर वर्ड्स अनस्पोकन है तो आप मास्टर हो, तो अनस्पोकन वर्ड्स यानी क्या, जिन अल्फाज को आपने कहा नहीं वो अल्फाज कौन से हैं, तो दे आर थिंग्स यू वॉन्ट टू से बट रिमेन अनसेड एज थॉट्स इन योर माइंड, है ना। अनस्पोकन वर्ड्स कौन से हैं, वो अल्फाज जिनको आप कहना तो चाह रहे हैं लेकिन अभी आपने उन्हें कहा नहीं है, दे रिमेन अनसेड, वो अभी कहना बाकी है। और जब हम कहना बाकी है का मतलब क्या होता है, थॉट्स इन योर माइंड, वो हमारे जहन में हमारे दिमाग में ख्याल की शक्ल में होते हैं, वो अभी अल्फाज की शक्ल नहीं होते।
वंस यू हैव पुट द थॉट्स इन टू वर्ड्स, जैसे ही एक मरतबा आपने उन ख्यालात को वर्ड्स में कर दिया, वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स, और वो अल्फाज आपके होठों से बाहर निकल गए यानी आपने उनको कह दिया, यू कैन नॉट चेंज देम, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, और कंट्रोल देम, और ना ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं यानी उस एक मरतबा लफ्ज को अदा कर लेने के उस पर आपका कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहता। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है कि अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड, एक मरतबा एक नौजवान शख्स अपने किसी स्पिरिचुअल टीचर से मुराद कोई बुजुर्ग शख्सियत के पास वो गया और कहा, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड एंड ही इज डीपली हर्ट, आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, हाउ कैन आई मेक अमेंड्स। क्या स्टोरी बता रहे हैं कि एक नौजवान शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और कहा, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड्स, कि मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ अल्फाज अदा किए जो कि बहुत हार्श और अनकाइंड थे, हार्श यानी सख्त और अनकाइंड यानी गुस्से वाले, बेरहम यानी गुस्से में होता है इंसान, कुछ भी कह देता है गुस्से में, तो वो वही कह रहा था कि मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी, ही इज डीपली हर्ट, हर्ट एच यू आर टी हर्ट का मतलब होता है दुख पहुंचना, कि मेरी उन बातों की वजह से मेरे दोस्त को बहुत दुख पहुंचा है, आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, ना मुझे डर है, आई एम अफ्रेड का मतलब होता है मुझे डर है कि आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप, मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, हाउ कैन आई अमेंड, हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, मैं अब इस चीज को कैसे अमेंड कर सकता हूँ, अमेंड का मतलब होता है तसही करना यानी किसी चीज को सुधार लेना। तो उसने क्या कहा कि मेरी अपने दोस्त से किसी बात पर कुछ बात हुई, मैंने कुछ उसे बुरा भला कह दिया, उसे गाली गलौज दे दी या कुछ कह दिया, और अब मैं उससे अपनी दोस्ती को कायम रखना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं। उस पर जो वाइज मैन जो बुजुर्ग शख्सियत थे उन्होंने क्या कहा, द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन, He said to the young man, write down on this paper all the harsh things you said to him. वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया, ही गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन, उन्होंने उसे एक ब्लैंक पेपर एक खाली पेपर दिया, एक पेज उन्हें दिया और एक पेन दी, और साथ ही कहा, ही सेड टू द यंग मैन, राइट डाउन ऑन दिस पेपर, के इस पेपर पर लिखना शुरू करो ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम, जो भी बुरे अल्फाज और सख्त अल्फाज तुमने उसके लिए इस्तेमाल किए हैं उसको यहाँ पर लिख लो। The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. The young man did as he was told. ना जैसा उस्ताद ने उसे कहा उसने वैसा ही किया, जो जो बातें उसने अपने दोस्त को कही थी वो तमाम बातें उसने पेपर पर लिख ली, और लिखने के बाद वो पेपर अपने टीचर को शो किया। अब टीचर ने उसको क्या किया, टीचर ने कहा, Now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise man said, the wise teacher said. Now us buzurg shakhsiyat ne kya kaha, now tear up this sheet of paper, na is paper ko is kagaz ke tukde ko, matlab jo sheet of paper ka matlab hota hai ek varak hai na, to is varak ko tum tear up kar lo, tear up kehte hain faadna, इंटू एज मैनी स्मॉल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, एज यू कैन यानी जितने बारीक और छोटे टुकड़े तुम कर सकते हो इस कागज को उतने बारीक बारीक टुकड़ों में फाड़ दो। सून द सिंगल शीट वॉज टॉर्न इंटू 100 टाइनी बिट्स ऑफ पेपर,
ना, जैसा उन टीचर ने कहा उस यंग मैन ने वैसा ही किया, और जब उसने पेपर्स को फाड़ना शुरू किया तो दिस सिंगल शीट वॉज टॉर्न इंटू 100 टाइनी बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे सैकड़ों टुकड़े कर दिए, है ना। 100 टाइनी बिट्स का मतलब होता है बहुत सारे सैकड़ों टुकड़े उसके कर दिए। उस पर टीचर ने कहा, थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो, द टीचर टोल्ड हिम। टीचर ने क्या कहा, थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो। जहां पर वो खड़े हुए थे वहीं पर एक खिड़की थी, तो कहा कि खिड़की से बाहर उन टुकड़ों को तुम फेंक दो। दैट वॉज इजीली डन, है ना, ये काम आसानी से हो गया। मतलब उस यंग मैन ने फौरन ही उन छोटे छोटे टुकड़ों को, टाइनी बिट्स ऑफ पेपर्स को, खिड़की से विंडो से बाहर फेंक दिया। इट वॉज अ विंडी डे एंड द टाइनी बिट्स वर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉच। अब जैसे ही उस पेपर के टुकड़ों को उसने बाहर फेंका तो वहां पर क्या हुआ कि इट वॉज अ विंडी डे। विंडी ये वर्ड बनता है विंड से, विंड कहते हैं एयर को, हवा को, और विंटी का मतलब होता है, उसका एडजेक्टिव बन जाता है, यानी हवा चल रही थी, यानी जैसा मौसम था कि तेज हवाएं चल रही थी। अब चूंकि तेज हवाएं चल रही थी और पेपर्स को फेंका गया तो क्या हुआ, द टाइनी बिट्स वर स्कैटर्ड फार एंड वाइड, के वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो दूर दूर तक उड़कर चले गए, बिखर गए, वो फैल गए, उसको कहते हैं स्कैटर्ड। इवन एज द यंग मैन वॉच्ड, और ये सारी बात है, वो यंग मैन जो है वो उसको वॉच कर रहा था, देख रहा था कि वो छोटे जो है वो उड़कर दूर तक जा रहे हैं। उस पर इतना एक्शन होने के बाद टीचर ने आगे उससे कहा, नाउ गो आउट इन टू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मेनी बिट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। ना देखिए, टीचर ने उसे क्या ऑर्डर किया, गो आउट इन द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मेनी बिट्स ऑफ पेपर एज यू कैन, के बाहर खिड़की, जो खिड़की के बाहर का हिस्सा है, जिस गली में तुमने स्ट्रीट में पेपर्स को फेंका है, वहां पर जाओ और उन पेपर के टुकड़ों को कलेक्ट करना शुरू करो। जितना तुम कलेक्ट कर सकते हो, जितने पेपर्स तुम जमा करके इकट्ठे कर सकते हो, उतने पेपर्स को जमा करना शुरू करो। द यंग मैन वॉज टेकन अबैक, है ना, वो जो यंग मैन था ही वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है हैरत में पड़ जाना। वो हैरत में पड़ गया कि ये जो बुजुर्ग हैं, वो जो वाइज मैन है, वो क्या कह रहे हैं। बट उसने कुछ कहना चाहा, दैट विल बी डिफिकल्ट, ही स्टैमर्ड, ना स्टैमर कहते हैं हकलाते हुए कहना, यानी जिसको हम कहते हैं कि कुछ, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ हम कहना चाह रहे हो और हमारी आवाज नहीं निकल पा रही होती है, तो उसे स्टैमरिंग कहा जाता है। उसने हकलाते हुए कहा कि बट दैट विल बी डिफिकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। उस पर टीचर ने कहा, बट इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड, ये जरूर, ना इंडीड यानी यकीनन, ये एक मुश्किल काम है। बट डू गिव इट अ ट्राई, तुम कोशिश तो करो, डू गिव इट अ ट्राई। बच्चे देखिए, यहाँ पर ये जो डू लगा हुआ है, ये किसी बात को जोर देने के लिए कहा जाता है। जैसे कोई आपसे कहता है ओपन द बुक, तो इसका मतलब क्या हुआ, बुक को ओपन कीजिए। डू ओपन द बुक यानी आपको जरूर बुक को ओपन करना चाहिए। तो इस तरह से डू जब यहां लगा हुआ है, डू गिव इट अ ट्राई, तुम उसे जरूर एक चांस दो, एक कोशिश तो करो, यानी बाहर जाकर पेपर्स को जो स्कैटर हो गए हैं, इधर उधर बिखर गए हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए तुम बाहर जाओ और एक एक मर्तबा ट्राई करो कि तुम कितना पेपर इकट्ठा कर पाते हो। सो द यंग मैन वेंट आउट, वो बाहर गया, और बाहर आने के बाद, वो आधे घंटे के बाद, जब एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक कर वो आधे घंटे बाद वापस आया, तो ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल
torn a bit off from the paper. He had torn just अब जस्ट अ वाइल अर्लियर, थोड़ी देर पहले उसने जो पेपर फाड़ कर फेंका था उसका एक टुकड़ा भी वो सही से जमा कर नहीं सकता। दिस इज वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड्स। देखिए अब उस्ताद ने उसे समझाते हुए कहा कि दिस इज वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड्स, यही होता है जो वर्ड्स हम कह जाते हैं, यानी जिन वर्ड्स को हमने अदा कर दिया, जो अल्फाज हमने कह दिए उनके साथ यही होता है। Once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. ना एक मर्तबा आपने किसी लफ्ज को आवाज बुलंद है ना, अलाउड का मतलब होता है आवाज के साथ, जब हम आवाज से नहीं करें तो वो तो हम सोच रहे होते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो जो अल्फाज हम कहते हैं वो अलाउड होता है, आवाज के साथ होता है। सो वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड, एक मर्तबा आपने किसी भी बात को अपने अल्फाज में जबान से अदा कर दिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बैक, उन अल्फाज को टेक देम बैक वापस ले पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर, है ना, इसीलिए कहा जाता है कि खासतौर से जब एंगर हो, किसी बात पर गुस्सा हो, नाराजगी हो, थिंक लर्न थिंक बिफोर यू स्पीक, तो हमें ये सीखना चाहिए कि बोलने से पहले सोचा जाए। तो ये हमारी स्टोरी, ये हमारा आपके चैप्टर 3.4 जिसमें हम देख रहे हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने सोच लेना चाहिए। बच्चों ये वीडियो आप BMC जो उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। यहाँ पर ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के शुरुआत में स्पीकिंग और सेइंग के लिए और भी दूसरे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उन सारे वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट कीजिए, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं और हर एक के एक एक एग्जांपल अगर आप लिख लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत एक अच्छा टास्क हो जाएगा, जहां पर आपको आसानी से बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलते हैं और फिर आप उसे अपने टीचर्स को बताकर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आप जो एग्जांपल बना रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आप जहां पर हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है उसके नीचे ही बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उन वर्ड्स को देखिए और उन वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग किस तरह से हैं, कैसे वो वर्ड्स अलग अलग मीनिंग देते हैं और उनको किस तरह से यूज किया जाता है, ये चीज़ें आप अपने तौर से कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।